नंद बाबा बाहर निकल के आए, बूढ़े हो गए थे। कहा भैया कौन हो? उद्धव नीचे उतर के आए, कहा कृष्ण को मित्र हूं बाबा। ओहो, नंद बाबा ने कंठ से लगाया, अंदर लेके गए, बैठने को जगह दी, चर्चा हुई। कहा कन्हैया नहीं आया, काहे को आएगा, अब तो उसे अपने असली माता पिता मिल गए, हमारी उसे क्या जरूरत है। और ये कह के नंद बाबा रो पड़ी। नंद बाबा की रोने की आवाज अंदर मैया ने सुनी, मैया की आंखें चली गई थी, क्योंकि जिन आंखों ने कन्हैया को देखा था यशोदा मैया की, वो आंखें अब दुनिया को देखना पसंद नहीं करती थी। माँ दिन रात रोती थी, आंख की जोत चली गई माँ की। मैया खम पकड़ती हुई आई और आई के बोली, कौन हूं भैया? ताने मेरी कन्हैया की बात करी है, परिचय तो बताओ। उद्धव ने कहा, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं, अभिमान भरा था सब बातों में, कृष्ण का मित्र हूं, माता मथुरा से आया हूं। मैया ने कहा, भैया समाचार सुन के ऐसा लगा है कि कन्हैया ही वापस आ गया है, लेकिन तुम उन कृष्ण कन्हैया को मित्र हो तो ये भी तुम्हें जरूर पता होगा, क्या हमाओ लाला हम ते रूठ गए हुए। उद्धव बूढ़े, हमारे जीवन में हमारे लला कन्हैया सो बढ़ के कौन है? वो हमें छोड़ के चला गयो, हमें एक बात की चिंता सताती रहे, मथुरा पैसवाइन की नगरी है, हमाओ लला माखन मिश्री छाछ मठा खाइवे को शौकीन, पैसवाइन के घर में कहाँ मठा मिलेगो। उद्धव का मे कन्हैया की व्यवस्था छाछ मठा मक्खन का मथुरा में खाइवे को। मैया ने सिगते पहले ये, इसीलिए तो माँ माँ है, माँ हमेशा बच्चों के खान पान का ध्यान रखती है। मैया कहने लगी, उद्धव एक दिन मैंने कन्हैया को लूखड़ से बांध दिया तो पेड़ धड़ाम से नीचे गिरे, मैं दौड़ के पहुंची, मैंने उठाई के लला को अपनी छाती से लगाई, लो कन्हैया ने रो रो के कही, मैया तू मुझ को बहुत ज्यादा मारे है, आज मैं पूरे ब्रजमंडल में ये बात कह ही देंगो कि मैं यशोदा मैया को बेटा ना है, मैं नंद बाबा को बेटा हूं, तू मुझ को बहुत मार। मैं ही का भर भर के रो रही थी और मैंने कही, लला मैं यमुना मैया की सौगंध खा के कहूं, मैं आज के बाद में मैं तो को कबू ना मारेंगी। उद्धव कहा, कनुआ ने कन्हैया ने ये मेरी शिकायत अपनी मैया देवकी सुन जाए के तो नहीं करी, मेरो लाला तो साक्षात भगवान है तो, लेकिन ये बात मैं नहीं समझ पाई कभी, मैं तो बाकू अपनो साधारण सो बेटा ही मानती रही, छोटी सी उम्र में वाने कैसे काली नाग को मंथन करो, कैसे कैसे दैत्य राक्षस ने भेजे कंस ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा, कन्हैया ने मौत के मोह में थे करी, वो धब आज ब्रज की गोपियां वीरान हो गई हैं, कृष्ण के लिए रोते रोते उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, एक बार उद्धव कन्हैया को बोल देना वो बूढ़ी यशोदा से भले ही कभी मिलने को ना आवे, लेकिन एक बार अपनी उन गायों से मिलने को आ जावे जो गैया कन्हैया के बिना पानी भी नहीं पीती, दिन रात रोती रहती है। यही स्थिति माँ यश माँ कौशल्या की थी, जब राम वन के लिए चले गए थे तो एक पथिक निकल के जा रहा था, मैया सरयू पूजन करके लौटी थी, मैया कौशल्या ने उस पथिक को पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो?
उसने जवाब दिया, कहा मैया मैं चित्रकूट की तरफ जा रहा हूँ। मैया कौशल्या रो पड़ी और कहने लगी, भैया कहीं रास्ते में मेरा रहम मिल जाए तो उसको बोल देना कि वो कौशल्या के लिए भले ही ना आवे, एक बार राम अपनी घोड़शाला में आके देख तो ले कि घोड़ों ने राम के लिए जल अन्न सब छोड़ दिया है, जिन प्यालों में कटोरों में राम उन घोड़ों को दूध पिलाता, आज वो घोड़े राम से मिलने के लिए कितने तड़फ रहे हैं, एक बार वह अपने उन घोड़ों को देख लेगा तो पता लग जाएगा कि मेरे बिरहे में इन पशुओं की ये स्थिति है तो उसकी मैया की क्या हालात होगी। यही बात मैं यशोदा मुझे अभागिन से मिलने के लिए ना आवे, वो हो सकता है मेरो लला मोते रूठ गए होगा तो अपनी एक बार गयन सो मिल बे के काजे तो आज। उद्धव ने कहा, माँ ये तेरा ज्ञान है, संसार है ये तो नदी के प्रवाह की तरह है, कितने लोग मिलते हैं कितने लोग बिछुड़ते हैं। तब कहा मैया ने, उद्धव तेरे ये उपदेश हमें नून जैसे लगे हैं, दुनिया के लिए वो भगवान जो भी कुछ हो सो हो, मेरे लिए तो मेरो लला है मेरो कन्हैया सोन, झूले में कन्हैया को झूलते हुए मैया ने दिखा दिया। उद्धव चरणों में गिर पड़े, दरवाजे पर गोपियां रोज की तरह आज भी देहली को प्रणाम करने को आई। दरवाजे पर वो रथ खड़ा हुआ था, गोपियां पूछने लगी कौन आयो है या रथ में बैठ के। किसी ने कही कि मथुरा से कोई उद्धव नाम को व्यक्ति आयो है। गोपियां बोली कि पहले अक्रूर आयो हमारे कृष्ण को ले जाए के बाने, कंस को मरवाए दयो, अब क्या ये उद्धव हमारे हाथों से कंस का पिंडदान करवाने के लिए आया है क्या? क्या मथुरा के लोगन को चैन नए पड़े, ये काय को हमारे पीछे पड़े हैं। ऐसा कहती कहती गोपियां सीधे निधिवन सेवा कुंज की तरफ चली गई। ये वही निधिवन सेवा कुंज है जहाँ ठाकुर भगवान बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए हैं। दुनिया में निधिवन सेवा कुंज जैसा पेड़ कहीं नहीं मिलेगा। कृष्ण के लिए वो उठ गए हैं, गोपियां ही उन वृक्षों के रूप में आज भी प्रतीक्षा में इंतजार में। जहाँ से बिहारी जी प्रकट हुए आज भी वहाँ महारास होता है रात्रि भर, सूर्य अस्त होने के बाद वहाँ बंदर भी नहीं रहते।